नमस्कार दोस्तों, डीके थ्योरी होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि आप जानते ही हैं, मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं इस चैनल पर नए नए प्लान्स और नए नए डिज़ाइन लाते रहता हूँ। अभी तक हमने हज़ारों की तादाद में यहाँ पे प्लान्स और डिज़ाइन लाए हैं और आने वाले समय में और भी हज़ारों प्लान्स और डिज़ाइन हम इस चैनल पर लाने वाले हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लान की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पर स्क्रीन पर जो है हमारे ऑफिस का नंबर है। अगर आपको प्लान की या डिज़ाइन की ज़रूरत है तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारी क्या फीस होती है, क्या प्रोसेस होती है, उसकी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। देखिए, आज का प्लॉट का साइज़ है 42 फीट बाय 50 फीट का, मतलब 42 फीट बाय 50 फीट का ये पूरा प्लॉट का एरिया है, जिसमें 42 फीट जो है हमारा फ्रंट है और 50 फीट जो है हमारा लेंथ है। और ये जो है इस साइड में हमारा रोड है और बाकी के जो तीनों साइड है, तीनों साइड में दूसरों के प्लॉट्स है। अगर आपके प्लॉट में बाकी की साइड में भी कुछ जगह या प्लॉट है तो बिल्कुल बेहतर हो जाएगा, और नहीं भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लान जो है हमने सिर्फ एक रोड के हिसाब से ही बनाया है, तो वेंटिलेशन जो है लगभग हर तरफ से वेंटिलेशन मिल जाएगा। वो किस टाइप में मिल जाएगा मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, ये जो है इस साइड में हमारा मेन रोड है, रोड से हम एंट्री करेंगे, यहाँ पे हमारा मेन गेट रहेगा। जैसे ही एंट्री करते हैं तो यहाँ पे हमें पार्किंग के लिए एरिया मिलता है, लगभग 14 फीट 3 इंच विड्थ में है और 15 फीट 7 इंच है यहाँ से लगभग यहाँ तक। तो कार जो है आराम से पार्क हो जाएगी, उसके बाजू में बाइक वगैरह भी आराम से पार्क हो जाएगी। उसके बाद में गार्डन के लिए भी लगभग 13 फीट की जगह छोड़ी है, यहाँ पर हम बढ़िया सा एक छोटा सा और बेहतरीन सा गार्डन भी बना सकते हैं। उसके बाद में स्टेप चढ़ के इस वरांडे पर पहुंच जाएंगे। देखिए, पूरा लिविंग रूम के सामने एक बड़ा सा वरांडा दिया है। इसके बाद में हम एंट्री करते हैं लिविंग रूम में। 13 फीट 7 इंच बाय 21 फीट 11 इंच का इस लिविंग रूम का साइज़ है, मतलब काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन साइज़ है। उसमें एक डाइनिंग भी एडजस्ट किया गया है, लगभग 13 फीट 7 इंच है यहाँ से यहाँ तक और 22 फीट जो है लगभग यहाँ से यहाँ तक है, 14 साढ़े 13 फीट बाय 22 फीट का। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे है छोटा सा स्टोरेज वगैरह हमने एडजस्ट किया है, छोटा छोटा स्टोरेज या जो भी डेकोरेटिव पार्ट है आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे डाइनिंग का एरिया है। उसके बाद में डाइनिंग के एरिया से हम किचन में एंट्री करते हैं। 9 फीट बाय 10 फीट 2 इंच का इस किचन का साइज़ है, 9 फीट बाय 10 फीट 11 इंच का। इसमें एक छोटा सा पूजा रूम भी एडजस्ट किया गया है और इस किचन को जो है एक डोर दिया है इस साइड को में, जो वॉश एरिया छोड़ा गया है इस वॉश एरिया को यूज़ करने के लिए, और दो विंडोज़ बताए गए हैं यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो क्रॉस वेंटिलेशन काफ़ी बढ़िया रहेगा। और ये वॉश एरिया है, इस वॉश एरिया से हम बाहर भी निकल सकते हैं या तो अंदर भी आ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमारा टॉयलेट बाथरूम है, 4 फीट बाय 3 फीट का टॉयलेट है और बाथरूम है 4 फीट बाय 7 फीट का। और यहाँ से एक देखेंगे तो लिविंग रूम से एंट्री कर सकते हैं इस बेडरूम में। यहाँ पे हमारा बेडरूम है, 14 फीट 3 इंच बाय 13 फीट का इस बेडरूम का साइज़ है, मतलब काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन साइज़ है, 14 फीट 3 इंच बाय 13 फीट का। और एक बड़ा सा विंडो इस फ्रंट साइड में दिया है, तो यहाँ से इस बेडरूम को वेंटिलेशन मिल जाएगा। और बाद में आप देख सकते हैं उसके बाजू में एक बेडरूम है हमारा, इसे हम मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं, लगभग 14 फीट 3 इंच बाय 13 फीट का इस बेडरूम का भी साइज़ है, मतलब सेम साइज़ है ये बेडरूम और ये बेडरूम का। तो इसे भी एक अटैच वाला बाथरूम भी दिया गया है लगभग 4 फीट बाय 7 फीट का। और इस बेडरूम को एक पीछे के साइड में एक डोर बताया गया है इस जगह को यूज़ करने के लिए, पीछे हमने लगभग 3 फीट की जगह छोड़ी है, तो ये जगह जो है हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और एक बड़ा सा विंडो यहाँ पर दिया है, तो इस विंडो से इसमें मास्टर बेडरूम को काफ़ी बढ़िया वेंटिलेशन मिल जाएगा। और लास्ट में देखते हैं यहाँ पे हमारा एक मास्टर बेडरूम है फिर से एक, और इसे भी अटैच वाला बाथरूम दिया गया है और इसे भी लगभग सेम साइज़ दिया गया है, 14 फीट 3 इंच बाय 13 फीट का, मतलब ये बेडरूम लगभग तीनों बेडरूम की साइज़ जो है सेम है। इस मास्टर बेडरूम को एक अटैच वाला बाथरूम दिया गया है 4 फीट बाय 7 फीट का, इसे पीछे के साइड में एक विंडो दिया गया है और यहाँ पर एक विंडो दिया गया है, तो दो विंडोज़ की वजह से इसे वेंटिलेशन जो है काफ़ी बढ़िया रहेगा। और एक डोर भी दिया गया है इस जगह को यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये जो है इस साइड में भी 3 फीट की जगह छोड़ी है, यहाँ पर भी हम ओपन टू स्काई रखेंगे। तो देखिए, थ्री बेडरूम है, एक डाइनिंग है, एक लिविंग रूम है, किचन है, उसके बाद में स्टेयर केज जो है बाहर से दिया है, गार्डन भी दिया गया है और पार्किंग के लिए भी काफ़ी बेहतरीन बढ़िया साइज दिया है। तो बहुत ही बेहतरीन सा प्लान बना है 42 फीट बाय 50 फीट में। तो आशा करता हूँ कि प्लान जो है आपको डिटेल में समझ में आया और पसंद भी आया है। अगर आपको ये प्लान पसंद आता है या नहीं भी आता है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें,
क्योंकि हो सकता है इस प्लान से किसी ना किसी को कुछ ना कुछ आइडिया जाए या किसी को कुछ ना कुछ जानकारी मिले, या हो सकता है यह प्लान जो है किसी के प्लॉट में परफेक्ट बैठे। तो प्लीज़ किसी और के लिए यह प्लान जो है आप शेयर ज़रूर करें, और हमारे पिछले सारे वीडियो चेक कीजिए। हमने लगभग हर टाइप के लगभग हर साइज़ में यहाँ पे प्लान्स अपलोड करने की कोशिश की है। तो प्लीज़ पिछले सारे वीडियो आप चेक कर लीजिए, हो सकता है आपके चॉइस का या आपके डायमेंशन आपके प्लॉट के साइज़ का प्लान हमने ऑलरेडी डाल रखा हो, और अभी तक आपका प्लान नहीं आया है तो कुछ दिन और इंतज़ार कीजिए। हम बहुत और भी हज़ारों की तादाद में यहाँ पे नए नए प्लान्स और अलग अलग साइज़ में प्लान्स लाने वाले हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, और आप हमारा हर वीडियो शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो से किसी को बहुत ही फ़ायदा हो। और अगर आपको भी प्लान की या डिजाइन की ज़रूरत है तो हमने आपको कांटेक्ट नंबर दिखाया है, इन नंबरों पर आप आपका प्लॉट का डिटेल व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपके रिक्वायरमेंट हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हम आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से और हमारी चॉइस के हिसाब से बेहतरीन प्लान या डिज़ाइन बना के दे देंगे। लेकिन इसके कुछ नॉमिनल चार्ज होते हैं, वो चार्जेज जो है आपको पे करना पड़ते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो जो है आप शेयर ज़रूर करेंगे, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और हमसे कॉन्टैक्ट भी ज़रूर करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए, आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।